चलिए अब जानते हैं बच्चे के पॉटी और बच्चे की गैसेस में स्मेल क्यों आता है। ये क्वेश्चंस बहुत सारे मदर्स को आता है, बट द बेस्ट पार्ट इज एक ही स्मेल नहीं आता। आज अलग आता है, कल और अलग आता है, परसों और अलग ही आता है। जैसे कलर चेंज होता है, टेक्सचर चेंज होता है, स्मेल भी चेंज होता है। और हम लोगों लाइफ में कभी खुद का भी पॉटी इतने गौर से नहीं देखते जितने बच्चों का पॉटी गौर से देखते हैं। कोई हमारे सामने गैसेस पास कर दे तो हमारा मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। बच्चे के गैसेस पास नहीं हुए तो हमको स्ट्रेस आ जाता है, मेरे बच्चे के गैसेस पास नहीं हो रहे। तो ये हमारे लिए एक रूटीन की बात है कि बाबा बच्चों के पॉटी और गैसेस को ऑब्जर्व करना। चलिए जानते हैं बच्चों की गैसेस और पॉटी को स्मेल क्यों आता है। बच्चों के छोटे छोटे पेट में, जैसे कि आप लोगों ने पोएम में सुना, बच्चों का गट फ्लोरा आपके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो बच्चे का डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो अब तक डेवलप हो रहा है, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये बिकॉज डेवलप नहीं है तो अंडर डेवलप्ड ट्रैक्ट में डाइजेशन कैसे होता है? तो डाइजेशन करने के लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ आपकी बॉडी लिक्विड्स उसमें डालते हैं, कुछ चर्निंग प्रोसेस होता है, हम लोग बाइटिंग करते हैं, बट उसके साथ आपके बच्चे के गट में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो बेसिकली इन सारे खाने को डाइजेस्ट करके लेने के लिए हेल्प करता है। बट आपको पता है जब ये बैक्टीरियाज खाने को चर्न कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, बॉडी के लिए अवेलेबल कर रहे हैं, कुछ बाई प्रोडक्ट निकलता है लाइक अ वेस्ट प्रोडक्ट, जिसको बॉडी के बाहर फेंकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब ये खाना डाइजेस्ट होता है तभी एक बाई प्रोडक्ट है फ्लॉटुलेंस या गैसेस जो निकल रहे हैं, और दूसरा बाई प्रोडक्ट है फीसेस या जिसको हम लोग पॉटी बोलते हैं। सो ये दोनों ही बाई प्रोडक्ट है क्योंकि एक अच्छे अच्छे बैक्टीरिया खाने के ऊपर काम कर रहा है। शायद मेरा बच्चा किधर खाना खाता है, वो तो फॉर्मूला लेता है, वो तो माँ का दूध पीता है, वो भी तो बच्चे के लिए खाना ही तो है। सो माँ का दूध पीने वाले बच्चे के गैसेस और पॉटी का स्मेल अलग रहेगा, फॉर्मूला मिल्क पीने वाले बच्चे का गैसेस और पॉटी का स्मेल अलग ही रहेगा। अगर आपका बच्चा सॉलिड खाना खाता है तो उसके गैसेस और पॉटी का स्मेल अलग ही रहेगा। वी डोंट हैव टू वरी एट ऑल, बट कभी वरी करना चाहिए जब भी आपको लगता है कि ये गैसेस के साथ बच्चे का खाना कम हो गया है, बच्चा ठीक से कुछ खा नहीं रहा है, बच्चा बहुत ज़्यादा अनईजी है, बच्चे को फीवर है, बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है, बच्चा एकदम डिहाइड्रेटेड लग रहा है, या बच्चा पूरा दिन सो के रह रहा है और एक्टिव नहीं है, तो फिर आपको एक बार बेस्ट चीज़ है कि एक बार डॉक्टर को दिखा के आ जाओ कि बाबा क्या उनको कोई टेस्ट करने की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि अरे फिर भी कुछ रेमेडीज़ बता दो ना जिससे हम लोग इस चीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं। बहुत सिंपल रेमेडीज़ है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदरों को खुद की डाइट का ख्याल रखो, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, फ्रूट्स, भाकरी, वेजिटेबल्स, दाल, होल ग्रेन्स, अंडा, चिकन, चिकन स्टॉक, दही, ये सभी चीज़ें एक मदर के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले करती है। उसके साथ बच्चा अगर सॉलिड फूड खाना है तो याद रखो बच्चों को भी अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाओ। जो चीज़ें ज़मीन के अंदर उगती है वो चीज़ें कच्ची नहीं देना है बच्चे के हाथ में। तो आप बच्चे को कैरेट्स दे सकते हो, रेड पम्पकिन दे सकते हो, दाल दे सकते हो, दही चावल दे सकते हो, कढ़ी चावल दे सकते हो, बच्चे को जो भी खाना दे रहे हो इंश्योर करो कि वो भी हेल्दी हो और बच्चे के पेट में ज़्यादा जंक फूड, बेसन, चना, छोले, ऐसी चीज़ें जिससे थोड़ा और गैसेस हो सकता है वो हमको अवॉइड करना है। नंबर टू, पानी अच्छे से पियो। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो आप लोग पानी अच्छे से पियो। अगर आपका बच्चा ऑलरेडी सॉलिड खाना खा रहा है तो बच्चे को भी बीच में एक एक दो दो, एक एक दो दो सिप पानी देते जाओ। तीसरा चीज़, उम्र। बच्चे का उम्र जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे बच्चे का गट फ्लोरा सेटल हो जाएगा, बच्चे को जो गैसेस का तकलीफ हो रहा है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। चौथा चीज़, अगर आपके बच्चे को गैसेस और स्मेल के साथ बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है तो फिर आपको एक बार डॉक्टर को जाके दिखाने की 100% ज़रूरत है। बहुत सारी सीरियस बातें हो गई, आपके लिए बहुत क्यूट सा चीज़ मायदूजा के टीम मेंबर ने ढूंढ के निकाला है। बाय द वे ये मायदूजा ने नहीं लिखा हुआ है, ये हम लोग जब भी गूगल पे सर्च कर रहे थे तभी हम लोग को मिला। वी फेल्ट आप में से बहुत सारे लोगों के चेहरे पे एक छोटा सा पोएम स्माइल लेके आ सकता है, इसीलिए आपके लिए बच्चों के गैसेस और बच्चे के पॉटी को लेके एक पोएम। गैसेस और पॉटी में आने वाले स्मेल को हम लोग अलग नजरिए से कैसे देख सकते हैं ये हम लोग इस पर्टिकुलर पोएम में जानेंगे। चलिए सुनते हैं। लिटिल बेबीज आर सो स्मॉल, ग्रोइंग चेंजिंग दैट्स नॉट ऑल, इन देयर टमी समथिंग ब्रूज, गट फ्लोरा फॉर्मिंग मेकिंग न्यूज, tiny bacteria here they come, building homes, having fun, digesting milk, oh what a sight, turning it into poop so light, gut flora growing day by day, in their bellies at work they play,
ब्रेकिंग डाउन फूड बिग एंड स्मॉल क्रिएटिंग सेंस दैट्स द कॉल लिटिल बेबीज फुल ऑफ ग्रेस कट फ्लोर अ डांस इन द टर्मी स्पेस एज दे ग्रो इट विल ऑल अलाइन अ फ्रेग्रेंट जर्नी सो डिवाइन. Isn't it amazing? अगर by any chance आप में से किसी ने अगर ये poem लिखी है तो thank you so much. I really wish कि ये poem उन तक पहुँचे. जिस किसी ने poem लिखी हुई है it's wonderful. So इसका मतलब क्या है? Just like twinkle twinkle little star, हमारे बच्चे जो छोटे से little star है हमारे घर में, उनके potty और gases को जो smell आता है उसकी तरफ ध्यान मत दो. It's absolutely normal, absolutely okay. अगर बाकी कुछ सिम्टम आपको नहीं दिख रहे हैं तो हमको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है और उस लिटिल लिटिल स्मेल को, कभी कभी अजीब वाली स्मेल को एंजॉय करना है. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. अगर आपके दिल में कोई सवाल है जो आपको लगता है कि माया दुजा ने जवाब देना चाहिए और माया दुजा मस्ट हैव अ वीडियो अराउंड इट, प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए. वी एज अ टीम वी लव टू वर्क ऑन दोज टॉपिक्स. थैंक यू सो मच. हर वेनसडे और सैटरडे आपके लिए नया हिंदी वीडियो, हर मंडे और थर्सडे आपके लिए एक नया रेसिपी और ट्यूसडे और फ्राइडे आपके लिए नया रीजनल वीडियो, दैट्स मराठी वीडियो. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट टाइम. बाय.